नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि ग्रहरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, और यहां पूरा एक मॉड्यूल है, जो पूरा कोर्स है जो मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं। और फिलहाल यहाँ इंटायर जीएस की क्लास है जो हम आपको दे रहे हैं। तो आप ऐसे काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लास एक मॉड्यूल के फॉर्म में ज्वाइन कर रखा है। सो आप पीछे के दो वीडियोस हमसे सुन चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जहाँ मैंने आपको पहले बोला था कि पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 2 में, आपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के प्रश्न देखे थे। अब इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के प्रश्न पत्र को लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं। सो काफ़ी विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप ऊपर क्यों देखते हैं, जैसा काफ़ी कमेंट आ रहा है। तो ऊपर इसलिए देखते हैं दोस्त, क्योंकि जो टेलीविज़न है जिसमें पूरा सिस्टम मुझे दिखाई देता है, वो कैमरे की हाइट से थोड़ा ऊपर है। ओके, तो यहाँ तक कि हंसी मजाक में किसी ने बोला सर आपकी आँख थोड़ी ऐसी है क्या। तो अब जैसी भी है, फिलहाल दोस्त थोड़ी सेटिंग है इस तरह की। बाकी जब अभी आगे की वीडियोज़ में जब मैं आपको बोर्ड पर लेके पढ़ाऊंगा, तो प्रॉपर जब बोर्ड पर लिखूंगा तो वो कैमरे के सामने ही मिलूंगा। तो थोड़ा यहाँ पे सेटिंग में थोड़ा ऐसा होता है, बाकी भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। सो आप लोग भी बहुत फनी टाइप के स्टेटमेंट लिखते रहते हैं, पर अच्छा है कि मतलब आप इतनी भी केयर करते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं, आपको क्लास में मैं सीधा देखता हूँ और यहाँ थोड़ा सा आप स्ट्रेट ऊपर रहते हैं। तो दोस्त कैमरा नीचे है, टेलीविज़न ऊपर है, तो थोड़ा ऊपर मुझे निगाह देनी पड़ती है। ओके, और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब मैं बैठ जाता हूँ। तो बैठने के बाद क्या होता है कि थोड़ा एंगल जो होता है वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है ऊपर की तरह, जैसे उपग्रह को नहीं जब सेट करते हैं पृथ्वी के एक्सेस के साथ। तो आपको दिखाऊंगा उपग्रह को जब लगाते हैं, जैसे आईआरएनएसएस की बात करते हैं जहाँ 7 उपग्रहों को लगाकर काम किया गया है, तो बात करेंगे। और वैसे भी आईएनएसएस जो टॉपिक है वो 2018 जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, उस टॉपिक में यहां पर एक प्रश्न है जो 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। सो ये पीछे आप बैकग्राउंड में मेरी पुस्तक देख सकते हैं, जो 3 एडिशन तक आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एक बुक है, या कह लीजिए सबसे ज्यादा पसंद करने वाली बुक है। बिकने वाली बात करते हैं थोड़ा चीप सा लगता है ना, आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी किताबों को पसंद करते हैं, मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी देती है जिससे मैं और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। सो चलिए दोस्त, इसी उम्मीद के साथ कि हाँ यहाँ पे भी हम कुछ और बेहतर करेंगे आपके लिए, और देखते हैं धीरे धीरे आप, अब आप मुझसे जुड़ी गए हैं, मेरी क्लासेस आपने ले ली हैं, सब्सक्राइब कर ली हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी कॉन्टैक्ट्स आप करना चाहते हैं इस क्लास से जुड़ने के लिए, मॉड्यूल्स या पूरा इंटायर जीएस कोर्स, तो ये नंबर है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 6393641090, और दूसरा नंबर है 9911809808। तो इन नंबरों पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी मदद की जाएगी। सो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो प्रारंभिक परीक्षा के पेपर के डिस्कशन का है, 2018 का प्रारंभिक परीक्षा डिस्कशन जो मैं लेकर आ रहा हूं। फिलहाल जो हमारे कोर्सेज हैं वो मैं आपको शुरू में दिखा दूं, बता दूं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पूर्वांचला इस आपके लिए लेकर आ रहा है, जहां पर बहुत भारी भारी फीस आपको अन्य संस्थाओं के द्वारा मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि पूर्वांचला इस एक इकोनॉमिकल संस्था, सस्टेनेबल एजुकेशन को लेकर चलने वाली संस्था है, जहां हमने बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको सारी कक्षाएं देने की कोशिश की है। यहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जिनका परिवार भी है, तो उसे थोड़ा बहुत नॉमिनल फीस तो लेना ही पड़ता है दोस्त। सो इतनी आप भी समझ रखते हैं। ओके, ज़्यादा ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। ओके, तो यहां पे बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं वहां पर अगर आप मेरा मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो ये डिटेल है, आप साइंस एंड टेक का मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, प्लस अगर आप इन्वायरमेंट लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, और साइंस इकोनॉमी दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो वहाँ कुछ कंसेशन भी है, आप ये क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा उस पर जो वीडियोस भेजे जाएंगे उस पर आप ओपन कर देख सकते हैं। साथ ही साथ फुल जीएस कोर्सेज भी है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही नॉमिनल फीस, आप किसी संस्था में जाइए तो बहुत कम से कम अगर देखें तो 25,000, 30,000, 40,000 से कम फीस नहीं है। ज़्यादातर वहाँ आपको लोग मिल जाएंगे पढ़ाते हुए, ठीक है। और यूपीएससी का अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं प्रीलिम्स का मेंस के लिए, तो सिर्फ 14,999 हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। अगर आप यूपीपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, यूपीपीएससी का फुल कोर्स प्री का मेंस का, तो 11,999, और एमपीपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं तो 9,999 प्लस जो भी जीएसटी जो सरकार का होता है प्लस 18% वो आपको अलग से दे होगा। सो ये एक प्रोग्राम है जो पूरा
वर्क है, जो टीम वर्क है जो हम लेकर आपके साथ चल रहे हैं। और आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं विज्ञान तकनीकी के लेक्चर नंबर 3 पर, जहां 2018 से जुड़े प्रश्न पत्रों को लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2018, और काफी हद तक ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब आपकी आंख जो है वो खुल चुकी होगी और काफी हद तक अब आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जब आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रश्न पत्र जो जिस एग्जाम की परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसका प्रश्न पत्र, पीछे के वर्षों का, और प्लस पाठ्यक्रम यानी उसका सिलेबस। और इन दोनों चीज़ों को मैं आपके साथ दिखा रहा हूं। और अब हम प्रश्न पत्र पर आते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के प्रश्न पत्र को लेकर। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां हमने पूरे मेंस परीक्षा के बारे में डिस्कशन किया था, 2013 से 2019 तक जो प्रश्न मुख्य परीक्षा में दिए गए हैं आए हैं उनके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि मुख्य परीक्षा का अप्रोच क्या होगा और क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्त। सो 2018 का पहला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, और ऊर्जा जो अध्याय है, ओके, आपने पहले वीडियो में कुल 11 चैप्टर देखा था, ओके, तो ऊर्जा वाले अध्याय में यह प्रश्न है जो दिया गया था आपके एग्जाम में, ऊर्जा अध्याय से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पूछा जा रहा है जो सोलर पावर प्रोडक्शन है भारत में जो हो रहा है उसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा से संबंधित, सौर ऊर्जा उत्पादन जो भारत में होता है उनमें से जुड़ा कौन सा ऐसा तथ्य है यहाँ पर जो दिया गया है और जो इनमें से सही है। ओके, तो पहले ऊपर की लाइन और फिर लास्ट में क्या किस ऑस्पेक्ट में, अब हम बीच के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। चलिए दोस्त, कह रहा है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर। ओके, सिलिकॉन वेफर के निर्माण में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ओके, जिसका उपयोग फोटोवोल्टाइक इकाइयों में किया जाता है। ओके, सुनिएगा दोस्त, ऐसा होता है कि फोटोवोल्टाइक एक प्रणाली होती है, जब हम सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाते हैं यानी जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो आपको बताऊं लगभग 0.1% सोलर एनर्जी है जो पृथ्वी पर आती है, यानी जो सन की लाइट जो सन से निकलती है उसका 0.1% सनलाइट पृथ्वी पर आती है, और यही 0.1% सनलाइट जो पृथ्वी पर आती है इसी में प्राकृतिक तरीके से, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी तरह बहुत सारे और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जो मानव खुद निर्मित करती है, यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से यानी तकनीकी के माध्यम से, जिसमें आप एक जानते हैं सोलर थर्मल यानी सौर तापीय संयंत्र, जो सब कहते हैं सौर तापीय संयंत्र। ओके, सौर तापीय संयंत्र हिंदी में सोलर थर्मल सिस्टम। पहला तो अभी मैंने आपको बोला प्रकाश संश्लेषण, लेकिन आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण एक नेचुरल प्रोसेस है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे करते हैं, हरित लवक और साथ साथ 5 और कारक होते हैं। ओके, जो आगे कभी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो एक सौर तापीय संयंत्र होता है, इसको कहते हैं सोलर थर्मल सिस्टम, और एक होता है फोटोवोल्टाइक जो यहां लिखा हुआ है, तीसरा तरीका होता है, इसको अब हिंदी में फोटोवोल्टाइक ही लिखते हैं। ओके, फोटोवोल्टाइक ही लिखते हैं। ये एक संयंत्र होता है जो क्या करता है दोस्त, इसकी मदद से सौर ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो अगर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है उसके लिए फोटोवोल्टाइक तंत्र का संयंत्र का यूज होता है। तो इस तरीके से तीन प्रकार से हम सौर ऊर्जा को है ना प्रयोग में लाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक नेचुरल प्रक्रिया हो गई। बाकी जो दो प्रक्रियाएं आप यहां देख रहे हैं वहां पर मानव इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन द्वारा कार्य होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, असल में समय के साथ साथ क्या हुआ है कि जो फोटोवोल्टाइक जो आपने सड़क किनारे देखा होगा, वो नहीं सोलर पैनल लगा होता है जिसमें नीचे बैटरी होती है जो चार्ज होता है, सनलाइट आ रहा होता है, बैटरी चार्ज हो रही थी, वो प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, वो फोटोवोल्टाइक ही कहते हैं। सामान्य भाषा में आप इन्हें सोलर पैनल भी कह सकते हैं, सामान्य भाषा में आप इन्हें सोलर पैनल के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, इन्हें सोलर पैनल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा होता क्या है, समय के साथ साथ क्या हुआ है कि जो फोटोवोल्टाइक्स है उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। तो अब जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल वगैरह से निर्मित एक इंप्रूव किस्म का फोटोवोल्टाइक जो बनाया गया है जिसको सिलिकॉन वेफर का नाम दिया जाता है, अर्धचालकता टाइप के संयंत्रों को आपने सुना होगा, तकनीकों को सुना होगा, उस पर आधारित, और इसमें कई लेयर में फोटोवोल्टाइक्स को बनाया जाता है। वेफर बिस्किट आपने खाया, वेफर बिस्किट में देखा होगा लेयर होती है, लेयर के बाद लेयर होती है, लेयर के बाद एक और लेयर होती है, बीच में वनीला या आपका ऑरेंज या जो भी आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है आप खाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह का सिस्टम होता है जो इंप्रूव्ड सोलर पैनल है या फोटोवोल्टाइक है इस सोलर वेफर की मदद से।
और ये क्या करता है, वही सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी उस सोलर पैनल पर मिलती है उसकी क्षमता को बढ़ा देता है और बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी होती काफी बढ़ जाती है। तो वही पूछ रहा है, भारत तीसरा सबसे बड़ा है विश्व में इसका उत्पादन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, नहीं दोस्त भारत 10 में भी नहीं आता है। यही तो प्रॉब्लम है भारत में, R&D नहीं है अच्छी। आप कितना फेंक लीजिए, बोल लीजिए, पर वास्तविकता यही है दोस्त कि भारत में R&D बहुत अच्छी नहीं है। ओके, R&D अच्छी नहीं, जब मैं पहले अध्याय की बात करूंगा तो मैं इस बारे में बात करूंगा। गवर्नमेंट इस पे ज्यादा काम भी नहीं करती है, इवन मैं तो कहता हूं समय के साथ साथ देखिएगा इसरो भी एक दिन बंद ही हो जाएगा। ONGC जा ही रहा है, BSNL जा ही रहा है, एयर इंडिया जा ही रहा है, इसरो भी बंद हो जाएगा देखेगा। क्योंकि भारत ने भी क्या किया, अभी देखिए कुछ प्राइवेटाइज एक्सीट सैट के नाम से लास्ट ईयर 2018 में न्यूज में था कि भारत ने प्राइवेट सैटेलाइट भेजने शुरू किए। प्राइवेट सैटेलाइट मतलब कंपनियों से सैटेलाइट बनवाकर हमने अपने भेजने शुरू किए हैं, तो क्यों इसरो बनाएगा जब अगर ये चीजें शुरू हो जाएंगे। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा, समय किस हिसाब से करवट लेता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इसकी शुरुआत हो गई है। फाइन, और जब मैं आपको उपग्रह पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा पहला उपग्रह जो SpaceX, आपने सुना होगा इलॉन मस्क जो उसका CEO है, टेस्ला मोटर का भी CEO है वो, ठीक है, तो उसी की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, भिजवाया गया है, ठीक है, अपनी कक्षा में लगवाया गया है भारत का अपना। अच्छा, और बात करते हैं तो ये पहला स्टेटमेंट आपको गलत हुआ। दूसरा कह रहा है जो सोलर पावर टैरिफ होते हैं वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उसको डिटरमाइन करते हैं क्या होगा, एकदम गलत है। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन मिला सोलर पावर टैरिफ, और वैसे सोलर पावर टैरिफ में आपको बताऊं तो ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। सोलर पावर टैरिफ के बारे में हम लोग बात करेंगे जब चैप्टर्स के अंदर जाएंगे, और इसमें हम लोग बात भी करेंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं सोलर पावर टैरिफ जो होता है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं करता है, उसको करता है MNRE। MNRE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है जो सोलर टैरिफ को डिफाइन करता है। देखो दो चीज होती है, एक होता है कोल टैरिफ और एक होता है सोलर टैरिफ। कोल टैरिफ जो कोयले से बिजली बनती है उसका पर यूनिट रेट क्या होगा, वो हो गया कोल टैरिफ। सोलर टैरिफ क्या होता है, सिंपल तरीके से समझो आप, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है, और UPSC में सिंपल चीजें ही पूछता है। सोलर टैरिफ किसको बोलते हैं, सोलर टैरिफ होता है जो सोलर पावर प्लांट से, सोलर सिस्टम से जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं पर यूनिट चार्जेस क्या होता है। आपको पता है सोलर टैरिफ जो है वो कोल टैरिफ से सस्ता है, क्यों है ऐसा, फिलहाल वो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। लेकिन आपके पेपर में क्या पूछ रहा है, बोर्ड पर देखिए, आपके पेपर में पूछ रहा है कि सोलर पावर टैरिफ जो होता है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है, तो एकदम गलत है, ये MNRE डिफाइन करता है। तो यहां पर आपको बताऊं यहां पूछ क्या रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है थर्ड लार्जेस्ट है वो गलत है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है जो आपको दिख रहा है यहां पर कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन करता है ये भी गलत है। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो नाइदर वन नॉट टू होगा, यहां पर दोनों ही आपको क्या होंगे, गलत होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, आप यहां मत जाएगा कि दो बोल्ड है वो गलत बोल्ड है, ठीक है, यहां पर ना तो वन होगा ना तो दो होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर दो। अब देखिए हर प्रश्न को पढ़ते समय आपके कितने कॉन्सेप्ट्स तैयार हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं अगर ये वीडियो मैं कुछ YouTube में फ्री वीडियोस में डाल रहा हूं तो इन वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे, ये पूरे कोर्स के पार्ट है। मैं चाहता हूं कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर बच्चों तक पहुंचने चाहिए, हर विद्यार्थियों तक पहुंचने चाहिए। ओके, इस विषय को भी ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है, चलिए आइए दूसरा प्रश्न बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द R, कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी हैं कंट्री को NHG मेंबर बनने में, ठीक है, तो ठीक है कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं भारत को NHG मेंबर बनने में, इनसे जुड़े कौन कौन से तथ्य हैं जो यहां पर लिखे गए हैं, जरा इन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुनना दोस्त। ऐसा है, पहला कह रहा है इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशियंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, मतलब किस तरह की चीजें हैं जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हमारे लिए हो सकती हैं, मतलब किस तरह से ये चीजें हमारे लिए लाई जा सकती हैं, ठीक है, तो यहां पर सुनिएगा जरा समझिएगा। पहला कह रहा है कि अगर हम NHG के मेंबर हैं तो हम आसानी से नाभिकीय तकनीकियों की एक्सेस कर सकते हैं, यानी प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या ऐसा ही है, गलत है, एकदम सही है दोस्त। और मैं आपको बताऊं हम 1990s से ही NHG के मेंबरशिप बनने की बात कर रहे हैं, 1990s से ही NHG के मेंबर बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है अगर NHG का मेंबर बन गए तो इंडिया का जो न्यूक्लियर कॉमर्स है मतलब जो है वो बढ़ेगा,
आसानी से नाभिकीय तकनीकियां, आसानी से नाभिकीय ईंधन, यूरेनियम जिसको आदि बोलते हैं, जो आसानी से हमें अन्य राष्ट्रों से मिल जाएंगे। आज तकरीबन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में लगभग 48 कंट्री हैं। पता है जिन कंट्रीज के पास यूरेनियम है वो भी इसी के समूह में है। अब आप मुझे बताइए, भारत अपने कंट्री में यूरेनियम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता है? ओके, थोरियम आधारित तकनीकी अभी भारत में अच्छी तरह विकसित नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में हमने 500 मेगावाट का है ना थोरियम आधारित रिएक्टर लगाकर और हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू की है, लेकिन अभी इट विल टेक टाइम। तो आप मुझे बताइए, और भारत को एनर्जी की डिमांड है, तो इस तरह का न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का अगर हम राष्ट्र बन जाते हैं, मेंबर नेशन बन जाते हैं, तो आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी न्यूक्लियर कॉमर्स बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी का भी विकास होगा। भाई जब राष्ट्र अगर हमारे यहां एनर्जी बनेगी तो हमारे यहां उस एनर्जी का यूज इंडस्ट्रीज करेंगे, उसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का उत्थानी तो होगा, राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई कंट्री है, मान लीजिए वियतनाम है, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमको भी एक रिएक्टर लगा दो, तो ठीक है आसानी से आप जाएंगे रिएक्टर लगा देंगे, और अगर आपके पास यूरेनियम नहीं है तो एनर्जी से यूरेनियम खरीद लेंगे, जिनके पास है उनको उसका पैसा दे देंगे। इधर आप वियतनाम में क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर अपना पैसा कमाएंगे। न्यूक्लियर कॉमर्स नाप की वाणिज्य, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनपीटी, यानी अब नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो ट्रीटी है उसका ऑटोमेटिक आप मित्र राष्ट्र बन जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? एनएसजी का अगर मेंबरशिप मिल गया तो आप एनपीटी के मेंबर हो जाएंगे? अरे उल्टा है, ये लोग कहते हैं कि अगर भारत तुम एनएसजी का मेंबरशिप बनना चाहते हो तो तुम एनपीटी सीटीबीटी पर साइन करो, एनपीटी पर साइन करो, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी पर पहले तुम साइन करो, उसको मेंबर, उसका मेंबर बनो, और नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी के लिए कुछ शर्तें रख दी जा रही हैं कि देखो भाई तुम्हें अपना नाभिकीय कार्यक्रम बंद करना होगा जिससे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, और प्लस इसके अतिरिक्त आपको अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड, नाभिकीय बम जो हैं, एटम बम वगैरह जिसको कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए क्या हम ऐसा करेंगे? भैया क्यों करें? क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर कॉमर्स वाला, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, सॉरी कॉमर्स कर रहा हूं, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का चैप्टर पढ़ाऊंगा, शायद ये आपका चौथा पांचवां चैप्टर है नाभिकीय ऊर्जा के बाद, उसमें आपको बताऊंगा। नहीं दोस्त, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को छूट है ओके कि आप एटम बम रख सकते हैं, लेकिन भारत जैसे कंट्रीज को आपको बताऊंगा छूट नहीं है। अगर आप एनपीटी पे साइन करना चाहते हैं तो पहले आपको एटम बम, इस तरह की चीजें आपको डिस्ट्रॉय करनी होगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान एनपीटी का मेंबर नहीं बनता है, पाकिस्तान नहीं डिस्ट्रॉय करता है, चाइना ऑलरेडी फ्री है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो मेंबर भी रहेगा और अब एटम बम भी रखेगा, तो भारत की सुरक्षा के लिए समस्या हो सकती? नहीं हो सकती। आए दिन आप सुनते हैं बॉर्डरिंग एरियाज में है ना चाइना और इंडिया की परेशानी चल रही है, भाई किसी कंट्री के पास एटम बम होना उस राष्ट्र की अपनी सुरक्षा भी है। भले आप मत गिराइए, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, धीरेज बोल दिया हमारे पास भी है, ठीक है ना, अगर ओरिजिनल नहीं है तो कट्टा है। देखिए ऐसी बातें क्लास के लिए अच्छी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर थोड़ा फनी क्लास हो जाएगी तो वहां पर आप हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं ओके सो लेकिन जब क्लासरूम में माहौल कुछ और ही होता है दोस्त, वहां आप हमें पहचानते हैं अच्छी तरह से, यहां से बहुत लोगों के सामने से वीडियो गुजरता है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं आपको इंटेंशन क्या कहने जा रहा हूं, बातों बातों में मैं क्या कहना चाह रहा था। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्त, एनएसजी मेंबर बनने के लिए एनपीटी पर साइन करने की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि एनपीटी पर आप अपने आप मेंबर बन जाएगा एनएसजी का, ना उल्टा केस कहा जा रहा है। तो यहां पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। देखिए मतलब क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में भी, मतलब हर क्वेश्चन में जान है और हर क्वेश्चन में लॉजिक है, ऐसे थोड़ी ना पूछता है कि मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती, ये क्या मतलब होता है, बच्चा पैदा होता है 260 हड्डियां होती, अरे भाई आईएएस बना रहे, ठीक है, ये क्लर्क का एग्जाम नहीं है कि 5000 क्वेश्चन पढ़ी आईएएस बन जाएगी, अरे मतलब चलिए छोड़ इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बहुत ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन ठीक है ना, अभी इतने ही मैच्योर होते तो फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे ओके तीसरी बात करते हैं, तीसरा प्रश्न फिर देखिए न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से ही प्रश्न आया है, क्या कह रहा है, इन द इंडियन कंटेस्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जिसकी स्थापना यूएन ने किया है,
उसके साथ जो एडिशनल प्रोटोकॉल है उसको रेटिफाई करने की बात हो रही, इंडिया के कंटेस्ट में रेटिफाई करने की बात हो रही, इंडिया ऑलरेडी रेटिफाई है, तो पूछ रहे इंडिया के कंटेस्ट में किस तरह से है उसके बारे में बताइए। तो कह रहा है कि एक सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर आईएए सेफगार्ड। देखो ये एकदम सही, असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, फिर वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इसको आप आईआर का भी टॉपिक बोल सकते हैं, बहुत ही मतलब मजेदार टॉपिक है दोस्त। जब ये पढ़ाता हूं ना तो मैं खुद ही बहुत खुश हो जाता हूं अपने आप, क्योंकि टॉपिक इतना मजेदार है। ये आईआर का टॉपिक है लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा है, और मेरा एक नेचर है मैं दूसरों पर भरोसा थोड़ा कम करता हूं, भले ही ये आईआर वाले बोले मेरा क्वेश्चन है चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। और आइए ये एडिशनल प्रोटोकॉल, ये सारा का असल में क्या होता है, एडिशनल प्रोटोकॉल जो है आईएईए के अंतर्गत जो यहां लिखा जा रहा है, जिसका भारत रेटिफाई भी कर चुका है, हस्ताक्षरित मेंबर है और भारत में अपनाया भी जा चुका है, सिग्नेटरी भी है और रेटिफाई भी है, इसका पर्पस यह है कि नाभिकीय ऊर्जा का यूज पीसफुल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। और आईएईए को आपको मैं बताऊं, इसको न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से जानते हैं, नाभिकीय खोजी कुत्ता है ना, थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ेगा, हिंदी माध्यम है, नाभिकीय खोजी कुत्ता वॉच डॉग, ये नजर रखता है पूरी दुनिया में कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा, कोई पता चला कि नाभिकीय यूरेनियम वगैरह से एटम बम बना रहा हो, नहीं, क्योंकि यूरेनियम के दो यूज हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बनाइए और एटम बम बनाइए, तो उसी तरह की देखरेख न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से बोला जाता है। और उसका जो एडिशनल प्रोटोकॉल है आईएईए का उसके साथ, ठीक है, ये इसी चीज पे ध्यान देता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो सिविलियन यूज न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आईयूए के सेफगार्ड के अंदर होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर कोई मिसयूज किया जा रहा हो। तो नाभिकीय ऊर्जा का पीसफुल यूज, शांति के उपयोग के लिए ये काम हो रहा है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, बहुत आसान सी चीज है, और यहां सीधा एक ही स्टेटमेंट है, दो तीन ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है अंतरिक्ष तकनीकी से, वो कह रहा है इनमें से जितने भी क्षेत्र हैं जो आप देख रहे हैं, फॉलोइंग एरियाज हैं, इनमें से किन क्षेत्रों में कह रहा है कि जीपीएस तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, इनमें से किन क्षेत्रों में जीपीएस तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। पहला लिखा हुआ है मोबाइल फोन ऑपरेशन में, दूसरा बैंकिंग ऑपरेशन में, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, तीनों ठीक है दोस्त। बैंकिंग ऑपरेशन में बिल्कुल आप क्या करते हैं, जीपीएस तकनीकी का यूज करते हैं, जो गाड़ियां हैं, जो पैसे हैं, ठीक है ना, जो आपके एटीएम्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं जीपीएस से जुड़े होते हैं, उनके लोकेशंस अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, मोबाइल फोन ऑपरेशंस को बताने की जरूरत ही नहीं है, जीपीएस तकनीकी से इक्विप होकर काम करता है। बैंकिंग ऑपरेशन है, मैंने अभी आपको बोला, गाड़ियां, एटीएम, सारे के सारे, और इवन पावर ग्रिड भी पूरा का पूरा सेटेलाइट और जीपीएस पे बेस्ड है। अरे पावर ग्रिड वगैरह को हैक तक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सेटेलाइट आधारित है, और अगर हैक कर लिया तो पता चला आपने उस राष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को 24 घंटे के लिए रोक दिया, बताइए। इसीलिए आज सारी चीजों को कंट्रोल करना होगा, जीपीएस टेक्नोलॉजी को, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए आजकल देखिए चाइना जो है क्वांटम सैटेलाइट पे काम कर रहा है, और क्वांटम सैटेलाइट को हैक कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इन सबके द्वारा अगर आप जीपीएस तकनीकी को चलाएंगे, ठीक है ना, तो आप काफी सेफ रहेंगे। तो यहां पर तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं जो सही होंगे। फिलहाल ये टॉपिक आप स्पेस में भी ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ले सकते हैं, दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। मेरी बुक में आपको ये स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने यहां स्पेस टेक्नोलॉजी में लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न बहुत ही सिंपल और सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ शब्द हैं जैसे वन्नाक्राई है, जैसे पिट्या है, जैसे इटर्नल ब्लू है, कभी कभी इस तरह के नाम समाचार में रहते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है दोस्त कि वन्नाक्राई जो है वो एक रैंसम वेयर है, मतलब एक तरह का अटैक है जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह को पर अटैक करता है। वन्नाक्राई जो है मई 2017 में न्यूज में रहा था, मई 2017 में, आपने सुना होगा रैंसमवेयर अटैक वगैरह सुना होगा, जहां पर आपके कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जा रहा था, और फिर वहां पे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन वगैरह में पैसे मांगे जा रहे थे। ओके, ना, जिसके लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग हुआ था, ये साइबर सिक्योरिटी में आता है। तो वही टॉपिक है, वन्नाक्राई, पिट्या, इटर्नल ब्लू, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो साइबर सिक्योरिटी यानी कहीं ना कहीं साइबर अटैक के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर हम पिट्या की बात करें, पेटिया भी एक एनक्रिप्शन रैंसमवेयर है,
एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी डेटा को सेफ और सिक्योर करते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं। आप देखिए, आप व्हाट्सएप देखिए, फेसबुक मैसेंजर देखिए, पठानकोट अटैक के पहले ये सब चीजें नहीं थी, धीरे धीरे इन चीजों को एनक्रिप्ट किया गया, संचार सूचना तकनीकी को काफी सेफ और सिक्योर किया गया। तो एक एनक्रिप्टेड रैंसमवेयर है, यानी एक अटैक है, ओके, जो आपकी फाइल को इंक्रिप्ट कर देगी, इस तरह की चीजें कर देगी। डिक्रिप्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, आपके फाइल रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मतलब इसमें बहुत डायमेंशन है पैटर्न में। साथ ही साथ इसका इशू जो था वो 2016 के आसपास था, 2016 के आसपास ये भी न्यूज में रहा था। और इटर्नल ब्लू जो है ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है साइबर अटैक का, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ना, उसकी जो सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटी होती है, मतलब सॉफ्टवेयर जो आप इस तरह की चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें खतरा होता है इटर्नल ब्लू की वजह से, यह भी एक साइबर अटैक है। ओके, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग प्रयोग करते हैं उनमें इस तरह की दिक्कत आती है इटर्नल ब्लू का। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों जो चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब साइबर सिक्योरिटी के मसले हैं भारत में, जो न्यूज में रहे हैं पिछले कई सालों में, 17-16 है ना, इसलिए यह प्रश्न भी पूछा गया जो 2018 का प्रश्न पत्र है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत और एकदम क्रिएटिव प्रश्न है। रट कर तो कभी आप ऐसे क्वेश्चन जा ही नहीं सकते, अगर आप लॉजिक समझते हैं तब इस प्रश्न को आप छू पाएंगे, यानी कर पाएंगे। क्या लॉजिक है इस प्रश्न पत्र को करने के लिए, देखिए स्क्रीन देखिए, पहले मैं इसी स्क्रीन पे जो चीजें लिखी हैं उसकी मीनिंग आपको समझाता हूं, या ऐसा करते हैं मैं आपको भाव समझा देता हूं। कह रहे हैं कि आपने स्मार्टफोन है आपके पास, ठीक है, सुबह हुई, अलार्म आप लगा ही लेते हैं, ठीक है, अलार्म लगाया आपने, अलार्म लगाया आपने, अलार्म सुना, अलार्म सुनने के बाद क्या हुआ कि ठीक है आप उठ गए, जैसे ही आप उठे आपने अलार्म वॉच को बंद किया, क्या हुआ, ऑटोमेटिक आपका जो गीजर है वो ऑन हो गया, मतलब पानी गर्म होने लगा। जैसे ही आप बाथरूम में गए और बाथरूम में जैसे ही आपने सामने मिरर देखा, पूरी कहानी सुनेगा, तो बाथरूम में जैसे ही आप गए मिरर देखा तो वो मिरर जो था उसने सारे इंफॉर्मेशन आपको देने शुरू कर दिया कि बाहर वेदर कैसा है, दिन कैसा होगा, सारी जानकारी आपको उस मिरर पे है ना डिस्प्ले हो रही है, सारी चीजें वो इंडिकेट कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको। साथ ही साथ वो ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि जिस वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है उसका स्तर कितना है, उसका स्तर कितना है, ठीक है, सब कुछ आपको बता रहा है कि मोटर चलना है नहीं चलना है, सारी, जैसे आप नहाकर आते हैं, बाहर आते हैं, आप अपने ग्रोसरीज के सामान को मान लीजिए निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, मान लीजिए ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी करते हैं उससे कोई ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तुरंत ही क्या होता है ग्रोसरी आइटम जो आपके फ्रिज से खत्म होती है तुरंत उस शॉपकीपर के पास एक मैसेज चला जाता है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं। मतलब क्या मतलब मजेदार चीज है, खत्म हो गई है, अच्छा अब क्या होगा, तो वहां से ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है, आपने खाया पिया उसके बाद आप निकले अपने घर से बाहर, अपने फ्लैट से बाहर, अपने जो भी अपने रूम से बाहर, जैसे ही आप निकलते हैं क्या होता है, आपके घर की सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो बंद हो जाने चाहिए, रेफ्रिजरेटर नहीं, वो तो चलता रहता है 24 घंटे, तो जो बंद हो जाने चाहिए, पंखा लाइट जो भी है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही आप अपने कार पे बैठते हैं, सुनिएगा क्या मतलब मजेदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनर ने क्रिएट किया है, इसीलिए कहते हैं दोस्त रट कर मत जाइए, समझ कर जाइए। एक कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो 1000 फैक्चुअल डेटा जो आप रट रहे हैं वो आप टिक मार देंगे। और मान लीजिए आपने 1000 रट दिए और वो 1001वां दे दिया तो, और कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, आपको रटना ही नहीं है, आप गेस कर लीजिएगा। इसलिए दिमाग को कॉन्सेप्चुअल बनाइए, IAS बना रहा है आपको, क्लर्क नहीं, ठीक है, चलिए। सो ठीक है, अब क्या होगा, अब आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में चलने, जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी में इंफॉर्मेशन आता, भाई दाएं नहीं जाना है बाएं जाना है, क्यों, क्योंकि दाएं ट्रैफिक ज्यादा है। और चलिए आप बाएं भी जाते हैं उसमें भी अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो अपने आप क्या होता है, एक मैसेज है जो आपके बॉस के पास चला जाता है कि देखो अभी आप ट्रैफिक के कंजेशन में है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसको पूछ रहा है पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, लास्ट में देखे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट अप्लाई टू अबव सिनेरियोस, इनमें से जो भी तरीके लिखे गए इनमें से कौन सा ऐसा है तरीका है जो जिसकी मदद से ये सारी चीजें होती हैं। ओके, देखिए ऐसा होता है कि दो टर्म आते हैं,
एक आता है WOT भी आता है, जिसको कहते हैं वेब ऑफ थिंग्स, और एक शब्द होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको IoT बोलते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट है जो आप अगर टीवी देखते हैं तो देखते होंगे। फिलहाल मैं टीवी नहीं देखता हूँ, ओके सो लेकिन कभी कभार अगर जब मैं गया सामने कभी तो दिख गया, तो उमन मैं कभी टीवी देखने के लिए टीवी के सामने नहीं बैठता हूँ। अब मैं कहीं बैठा हूँ वहां टीवी चल रही, वो बात अलग है। तो उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने देखा है। क्या देखा है कि अमिताभ बच्चन एक लॉयड एसी है ना, मैं किसी एसी की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ है ना, तो शायद सतीश कौशिक होता है इसमें है ना, शायद सतीश कौशिक होता है। तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि एसी जो होता है वो मोबाइल फोन से ऑन और ऑफ कर लेता है, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन से एसी के ऑन ऑफ होने का क्या कॉन्सेप्ट है भैया? इंटरनेट से किसी थिंग्स को, थिंग्स का मतलब होता है किसी वस्तु को हम रेगुलेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पढ़ाऊंगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इवन जो एक और एड आता है जैसे दीपिका और ये जो उसका हस्बैंड है ना, बड़ा मतलब क्यूट सा है, किसी को क्यूट लगता हो किसी को क्या लगता है, मुझे तो सब क्यूट ही लगते हैं, भगवान की बनाई हुई चीज है, सब खूबसूरत है। तो उसमें क्या होता है कि वो ना दीपिका से थोड़ी फाइट होती है ना, हस्बैंड वाइफ वाली थोड़ी मीठी मीठी फाइट होती है। तो उसमें क्या होता है, वो दीपिका थोड़ा रूठ जाती है, ओके, और रूठने के बाद क्या होता है ना, वो चली जाती है ना, मतलब वो प्यार वाली लड़ाई होती है, गॉट इट? अगर आप मैरिड हैं तो आप समझ रहे हैं, और अनमैरिड हैं तो भी आप ज्यादा समझ, तब तो आप ज्यादा समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो मेरा कहने का मतलब है कि वो रूठ के चलिए, तो वो करता क्या है, जो उसका हस्बैंड है ओके, उस एड में रियल हस्बैंड ही है उसका, रियल हस्बैंड भी है वो, तो वो उसकी एसी जो होता है वो अपने फोन से ऑन कर देता है, और जस्ट सी एंजॉय, ओके बहुत बढ़िया, यानी मेरा हस्बैंड मेरी केयर करता है, ओके। सो वो एक एडवर्टाइजमेंट है, तो वो IoT ही है दोस्त जो दिखा है, बड़े क्यूट सा एडवर्टाइजमेंट, पता नहीं इस समय आता है नहीं आता है, पर मैंने इसको देखा है, डेफिनेटली देखा है। देखो ऐसा है दोस्त कि समय के साथ साथ ये तकनीकी बहुत आगे बढ़ने वाली है। करते क्या है कि एक समय के इंटरवल के बाद हर डिवाइस को जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं एक दूसरे से, और इंटरनेट के थ्रू रेगुलेट कर लेते हैं टाइमिंग के अनुसार, प्रोसेस के अनुसार, और एक पूरी श्रृंखला जुड़ जाती है वस्तुओं की, ओके। जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट से एक चीज जोड़ दिया तो एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, गॉट इट? फाइन, और बहुत सारी चीजें आपने जोड़ दी। देखिए हाँ, यहां एक चीज और मैं बता रहा था, वेब ऑफ थिंग बता रहा था। अगर इंटरनेट से एक चीज जुड़ी हो, एक वस्तु जुड़ा हो, उसको बोलते हैं WOT। एक और WOT कोई दूसरे से जुड़ा हो, एक और कोई इंटरनेट तीसरी वस्तु से जुड़ा हो, तीसरा WOT, और सारा जोड़ लीजिए तो IoT हो जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये टॉपिक IoT का है। फिलहाल यहां मुझसे ज्यादा मत खिंचवाइए, क्लासरूम डिस्कशन, सॉरी ये पेपर डिस्कशन है सिर्फ, अभी आप सिर्फ समझिए कि क्या UPSC चाहता है और क्या हम लोग करने वाले हैं। आए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया का, ठीक है। डिजिटल इंडिया बहुत पॉपुलर है, और जब से मोदी जी आए हैं तब से डिजिटल इंडिया बहुत पॉपुलर हो गया है, और बहुत ही पॉपुलर हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत ही पॉपुलर हो गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया में 9 पिलर्स भी हैं। किसी जमाने में 2014-15 के आसपास मैं इसको एक्सपेक्ट करता था कि ये मेंस में प्रश्न आएगा, और एक आध बार आया भी है, पर वो GS पेपर 1 में रहा है, पेपर 3 में कभी डिजिटल इंडिया नहीं आया है। और डिजिटल इंडिया वैसे भी आप जनरल आप ले सकते हैं, टॉपिक्स अवेयरनेस के लिए भी आपके लिए जरूरी है, इसके 9 पिलर भी हैं डिजिटल इंडिया के, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है डिजिटल इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो दिए गए हैं नीचे और सही हैं, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। अब चलिए बात करते हैं, करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या क्या है? पहला कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड, जैसे चाइना ने अपना इंटरनेट कंपनी बना रखी है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हमारा भी कोशिश है कि अपनी कंपनी बनाना। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप डिजिटल इंडिया 9 पिलर बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्रमोशन है, डेवलपमेंट है, लोगों तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचानी है, गांव में स्कूल के लेवल पर टूरिज्म में हर केस को बूस्टअप करना है, ये सारी चीजें हैं। कोई इंटरनेट की कंपनी बनाना भारत का एम डिजिटल इंडिया में नहीं है। पहले डिजिटल, अभी यहां लोगों को डिजिटली किया तो जाए, ओके। चलिए दूसरा कह रहा था, ये पहला गलत। दूसरा कह रहा है इस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विद इन आवर नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्री। अभी देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, आजकल एक बात चल रही है डेटा लोकलाइजेशन की। क्या बोलते हैं? डेटा लोकलाइजेशन की।
यानी हमारा डेटा जो है, जो हमारे देश के लोगों का डेटा है, जो कंप्यूटर पर है, या जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपने इंफॉर्मेशन उस पर डालते हैं और उसका सर्वर जो होता है भारत में ना होकर बाहर होता है, तो बाहर हमारे सारे डेटा चले जाते हैं। तो वहां पर डेटा लोकलाइजेशन की बात होती है। डेटा लोकलाइजेशन एक टॉपिक होगा जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक हॉट टॉपिक है, जिसपे हम बात भी करेंगे, और यह मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी कोई इसके अंदर डिजिटल इंडिया के अंदर ऐसी कोई पहल करने की बात नहीं हो रही है। डेटा लोकलाइजेशन एक दूसरी चीज है जिसका डिजिटल इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लेकिन मैंने बता दिया बिग डेटा का मतलब क्या है, जो यहां पर हम कह रहे हैं कि नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हम डेटा को रखेंगे विद इन आवर नेशनल बाउंड्री, है ना, बाहर जाने को नहीं देंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट कह रहा, तो पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया गलत है। तीसरा कह रहा है कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट। हाँ, गांव गांव को इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए, वाईफाई टाइप की सुविधाएं स्कूल में लगाइए, पब्लिक प्लेसेस पे लगाइए, टूरिस्ट सेंटरों पे लगाइए, ये है डिजिटल इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर आपको सिर्फ तीन आंसर है, थर्ड आंसर है जो सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और काफी लोग इस प्रश्न के साथ कंफ्यूज भी हुए हैं। कंफ्यूजन क्या था, असल में आपके पेपर में यूपीएससी कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड प्लांट है, ओके, जो भारत में विकसित हुआ है। भारत में जीन अभियांत्रिक तकनीकी पर आधारित एक मस्टर्ड पौधा बनाया गया है, जिसको हम जीएम मस्टर्ड शॉर्ट में कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से उसके बारे में देखिए, तथ्य देखिए, और बाद में कह रहा है उसके बारे में बताइए सही कौन सा है। देखिए, मैं आपको बताऊं असल में क्या है, इस पौधे को काफी लोग कंफ्यूज क्या हो गए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा है, लोगों ने सोचा भाई ये बीटी मस्टर्ड है, और बस यही हो गई गलती। आप ऐसे काफी लोगों ने गलती कर दी। असल में जो जीएम मस्टर्ड है वो डीएमएच 11 है दोस्त। क्या है? डीएमएच 11। डीएमएच 11 का पूरा मतलब होता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लेबोरेटरी है जिसने बनाया हुआ है, और यह पहला ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो भारत द्वारा बनाया गया है और जो लाइसेंस का वेट कर रहा है। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का लाइसेंस दो देता है, उसका नाम है जीएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रिसल कमेटी, और यह जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रिसल कमेटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया था, जो एमओईएफ के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। 1986 पे भी प्रश्न आया हुआ है, जीएसी पे भी प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में, जो टॉपिक मैंने बता दिया। यहां पे तीन प्रश्न आपको मिल जाएंगे 11 से 19 के, अगर पेपर को आप देखें। फिलहाल कुछ पेपर तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, ठीक है। और ये इसको जीएसी ने लाइसेंस दे दिया है, और ये वेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का, और ये अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने भी इसको लाइसेंस दे दिया, तो डीएमएच 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जिसको आप बीटी मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, ये भारत का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा होगा जिसको भारत बनाएगा और भारत इसको सर्टिफाई करने के बाद यहां पर लगाएगा। यह है पूरी भूमिका जो प्रश्न में है, और आप क्वेश्चन कंफ्यूज करके बीटी मस्टर्ड से। पर हां, यह बात मैं बताऊंगा, अभी तक जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, आठवां प्रश्न उस साल के समसामयिकी से था। मैंने आपको बोला है 17, 18, 19 में 80% से ज्यादा प्रश्न स्टैटिक है, यह वाला प्रश्न लेकिन करंट का है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाने की कुछ। पहला कह रहा है जीएम मस्टर्ड हैज अ जीन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। बिल्कुल सॉइल बैक्टीरिया का नहीं है दोस्त, यहीं पर हम गलत कर देते हैं। सॉइल बैक्टीरिया का, जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस, आपको बायोटेक में पढ़ाऊंगा, उसकी मदद से बीटी मस्टर्ड बनाया गया है। जो लोग इसको बीटी मस्टर्ड समझ गए थे, फट से बोले थे यह सही है, और यह गलत है, क्योंकि यह बीटी मस्टर्ड में होता है, जीएम मस्टर्ड में नहीं। तो पहला स्टेटमेंट यहां गलत हुआ। दूसरा कह रहा है जीएम मस्टर्ड हैज अ जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है ना, यह सब ऐसा प्लांट है जो एक दूसरे पौधे के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करता है, पर परागण जिसको कहते हैं, और संकरण की प्रक्रिया भी करता है। असल में आपको मैं बताऊं, इसलिए इस तरह के पौधा चाहिए, क्योंकि जो दूसरे बीटी मस्टर्ड वाले पौधे होते हैं उनके साथ एक समस्या यह भी होती है कि वो हमारे पौधों के साथ या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होते, हमारी जो नेटिव वेराइटी होती है, और अगर होती है तो उसको स्टराइल कर उसको बर्बाद कर देती है। लेकिन उस तरह की समस्या इस बीटी इस जीएम मस्टर्ड के साथ नहीं है, जिसको हम डीएमएच 11 कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हम पौधों का क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन अलाउ रखेंगे, यहां पर दिक्कत नहीं है, जो भारत ने बनाया। तीसरी बात,
तो ये दूसरा आपको सही हुआ। तीसरा कह रहा है जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय द IARIN पंजाब एग्रीकल्चर, एकदम गलत है। अभी हमने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लैब है, इन लोगों ने मिलकर बनाया है, तो ये तो गलत ही हो गया ना, ये तो इंफॉर्मेशन हो गया। तो यहां सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से सही है। और आगे बढ़ते हैं नौवे प्रश्न की तरफ। नौवा जो प्रश्न है वो एक मिसलेनियस टॉपिक से है, मिसलेनियस टॉपिक से है, यानी 11वां अध्याय, 11वीं यूनिट। और इसमें प्रश्न क्या है, जो 3D प्रिंटिंग है उनके उपयोग पर पूछ रहा है, एप्लीकेशन पर पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन से उपयोग हैं जो 3D प्रिंटिंग के हैं। और 3D प्रिंटिंग वैसे भी आपने देखा था जब मैंने आपको पहला वीडियो दिखाया था, यह मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न था। 2013 के मुख्य परीक्षा में 3D प्रिंटिंग परीक्षा में आया हुआ था। और फिर वही देखिए यहां 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में, आपने 2019 के पेपर में भी देखा था, तीन प्रश्न ऐसे थे जो मुख्य परीक्षा से प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 3D प्रिंटिंग है जो मुख्य परीक्षा का 2013 का प्रश्न 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में आ रहा है। तो जितने लोग प्रश्न पत्र देख रहे हैं उनको कितने क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, हाँ होता है, खाने पीने की चीज मिलती है। अरे पहले तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल आपको 3D प्रिंटिंग 4D प्रिंटिंग दोनों हम लोग बात करेंगे, आजकल 4D प्रिंटिंग भी न्यूज में है, ओके, लेकिन वो मिसिंग है इस टॉपिक में। प्रश्न 3D प्रिंटिंग भी आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि यहां पर हम ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग करते हैं, यानी कोई वस्तु, कोई सामान, ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं उसको, उसके निर्माण का कार्य करते हैं। आपको एक कन्फेक्शनरी, अच्छा यहां पर आपको बताऊं, ऐसे एक करके एक 3D प्रिंटर से नाम है फूदनी, फूड आइटम्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स भी उससे बना सकते हैं, ओके। बायोनिक ईयर, बायोनिक ईयर का मतलब होता है दोस्त, एक तरह से आप कह लीजिए एक मशीन ईयर, मशीन ईयर या रोबोटिक ईयर टाइप का। बायोनिक मैन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जब मैं आपको रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा, उसका नाम है बायोनिक मैन, बायोनिक मैन। तो एक सिंथेटिक मैन है, मशीन मैन है, ऐसे समझिए जो एक तरह के रोबोट्स है, एक तरह का AI है, जिसको आप बायोनिक मैन कहते हैं। मैं स्क्रीन के सामने सर जाता हूं, बायोनिक मैन कहते हैं, ओके। एक कंपनी है रेक्स है ना, रेक्स लिमिटेड, उसने ही ये बनाया है, ओके। अ कंप्लीट मैन विच हैज ऑल प्रोस्थेटिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कहने का तात्पर्य एक ऐसा मानव जिसके अंदर सारे बॉडी पार्ट वैसे ही हैं जैसे आपके अंदर, लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर किडनी है लेकिन वो किडनी मशीनी किडनी है, इसके अंदर हार्ट है लेकिन वो मशीनी हार्ट है, इसके अंदर प्लीहा है पर वो मशीनी प्लीहा है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कमाल की चीज है। कॉकलिया है इसके अंदर, सुनने वाला, आंख में देखने के लिए रेटिना टाइप की जो चीजें हैं इसके पास हैं, लेकिन सारी मशीन है। तो वही कह रहा है क्या इस तरह की चीजें हम, इस तरह की मशीन आकान, इस तरह की चीजें बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में भी रिवोल्यूशन लाएगा ना ये। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल वगैरह, उन केसेस में भी डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, एरोप्लेन्स के डिफरेंट कलपुर्जे वगैरह बना सकते हैं चीजों के। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, देखिए होता है प्लास्टिक सर्जरी, एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी जो होती है ऊपर ऊपर से की जाती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करने की बात होती है। तो ठीक है, वहां शरीर के अंदर जरूरत की चीजें होंगी वो वहां पर आप 3D प्रिंटर्स की मदद से उस तरह की वस्तुएं, मशीन टाइप की चीजें आप बनाइए और रिकॉन्स्ट्रक्ट सर्जरी कीजिए। पांचवा कह रहा है डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है बिल्कुल, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स है ना, इस तरह की चीजों में भी आप 3D प्रिंटर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां फिलहाल सारी चीजें सही हैं। और 3D प्रिंटिंग आपको बताऊं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ले लीजिए, मेडिकल इंडस्ट्री ले लीजिए, इवन स्टेम सेल से, इवन स्टेम सेल में आप ऑर्गन प्रिंटिंग की बात कर लीजिए, आप किडनी बना सकते हैं। और वो किडनी, मैं बायोनिक किडनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रियल किडनी। आपको बताऊंगा जब मैं 3D प्रिंटर बताऊंगा तो मैं आपको ऑर्गन प्रिंटिंग भी बताऊंगा। स्टेम सेल को आप ले लीजिए एज अ कॉटरेजेस यहां पे, ओके, और स्टेम सेल की मदद से आप किडनी बनाइए, वो बताऊंगा कैसे बनेगी, उसको हम कहते हैं ऑर्गन प्रिंटिंग भी। तो 3D प्रिंटिंग का एक बंदा था, उसका नाम था एंटोनी अटाला, उसने शायद 7-8 घंटे में, ओके, स्टेम सेल से 3D प्रिंटर की मदद से रियल किडनी बनाई थी। कैसे बनाई थी उस चीज को आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है ना, वो सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। उसका नाम था एंटोनी अटाला, आप कभी नेट पर जाएंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, एंटोनी अटाला। मेरी पुस्तक पढ़िए ना, उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है, क्योंकि 3D प्रिंटर्स के सारे डायमेंशन, खाने पीने की चीज भी है, फूदनी, बड़ी खूबसूरत नाम है फूदनी, सुनने में नाम लगता है ना कितना इंटरेस्टिंग, फूदनी।
ओके और आगे आइए दोस्त, दसवां टॉपिक, मतलब क्या खूबसूरत टॉपिक है, मतलब जानलेवा, नो करंट्स कॉन्सेप्ट्स, नो करंट्स कॉन्सेप्ट, दसवां प्रश्न। वैसे फिलहाल इस साल कुछ 14 प्रश्न आए हुए हैं और आप दसवां प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद 4 प्रश्न और बचते हैं। देखिए पेपर के डिस्कशन में घंटे लग जाते हैं, पीछे के वीडियोस में 2019 में तो 20 प्रश्न थे, इतने डिस्कशन और इतने पौने 2 घंटे, करीब करीब 2 घंटे हमारे लग गए उसमें, 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट, कोई बात नहीं, लीजिए पूरे टाइम लीजिए, यहाँ कोई क्लास नहीं है कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगी 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, और कलेक्टर बनना है तो पढ़ना है, चलिए इसमें क्या अफसोस करना है। प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हिंदी में आप कहते हैं इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान, इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में कह रहा है, इनमें से लास्ट पॉइंट देखे कह रहा है विच स्टेटमेंट गिवन इज ऑब्लिक आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो दिया है और सही है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट, समझिएगा अब ये बहुत बड़े बड़े मजेदार टॉपिक हैं, ओके बहुत बड़े बड़े मजेदार टॉपिक हैं। क्या कह रहा है, पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, यानी पीएसएलवी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिन उपग्रहों को भेजता है वो अर्थ के स्रोतों का पता लगाता है, अर्थ रिसोर्सेस की मॉनिटरिंग करता है, पृथ्वी पर जो चीजें होती उसके बारे में बताता है। अच्छा, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो डिजाइन किया गया है ज्यादातर मुख्यतः वो संचार उपग्रहों के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही है। देखिए जब हम उपग्रह पढ़ते हैं तो उपग्रहों को हम जिस जगह पर लगाते हैं उसको कहते हैं कक्षा, यानी ऑर्बिट्स, वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी आगे का जब ऑप्शन देखेंगे ना उसमें यही पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है मेरे सामने, आप देख सकते हैं, और मेरे पास एक कैप है, चलो कैप ले लेते हैं, कैप कहाँ है भाई, कैप कहाँ है दोस्त, कैप नहीं है, कोई बात नहीं है, तो चले मेरे पास एक बैटरी है ड्यूरासेल की, चले इसको देखें, ये मान लीजिए उपग्रह है, ये मान लीजिए एक उपग्रह है, ठीक है। आप सब ध्रुव जानते हैं, ये पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बात करेंगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, ओके ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, अगर उपग्रह इस तरीके से घूमता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह, और इस कक्षा को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। अच्छा, और अगर इक्वेटर के परपेंडिकुलर है सीधा और उसके चारों तरफ ऐसे घूमता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो उपग्रह घूमता है वो पृथ्वी के हमेशा सामने रहता है, उसके पीछे कारण है, उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है रिवोल्यूशनरी पीरियड वो 24 आवर्स का होता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने का जो धूर्णन होता है वो भी 24 आवर्स। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे ऑर्बिटल स्पीड होती है, वो अंदर पढ़ेंगे, अंदर पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमेशा उपग्रह उसके सामने नजर आता है। और यहां पर क्या होगा, ध्रुवीय वाले में, ध्रुवीय वाले में क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वेस्ट टू ईस्ट और ध्रुव ऐसे घूमता है, तो यहां लोकेशन तो कभी फिक्स हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, हमेशा उपग्रह और वो जगह एक दूसरे के सामने रहता है, सामने रहता है। ओके अब सुनिएगा, पीएसएलवी जो प्रक्षेपण यान बनाया गया था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि यह प्रक्षेपण यान मुख्यतः ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को भेजेगा। बातें बात करेंगे हम लोग कि वो अलग बात है कि समय के साथ पीएसएलवी की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई, और पीएसएलवी है जिसकी वजह से आपने छोड़ो पोलर ऑर्बिट, तो छोड़ो पोलर ऑर्बिट पास में ही होता है 400 500 600 किलोमीटर की हाइट पर, जनरली 2000 तक किलोमीटर तक की हाइट पर पृथ्वी की सतह से, ये तो 36,000 के भी ऊपर 3 लाख 4 लाख चंद्रयान, 400 लाख किलोमीटर मंगलयान वहां तक भेजने लगा। पर मुख्यतः जो पीएसएलवी बना है वो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण, ध्रुवीय उपग्रहों को लगाने के लिए भी, इसलिए उसको बोलते हैं पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समय के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ी है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं हुई है कि वो जीएसएलवी को कंपटीशन देगी, उसकी चर्चा हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तभी देखिए चंद्रयान 2 के केस में पीएसएलवी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का नहीं है, इसीलिए उसको जीएसएलवी से भेजा गया, और जीएसएलवी में भी जीएसएलवी एमके 3 से भेजा गया, बताऊंगा एमके 3 क्या है।
ओके तो पहला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह सही है, क्योंकि जीएसएलवी के द्वारा जो उपग्रह होता है वो भूस्थैतिक कक्षा में मुख्यतः भेजने के लिए इसको 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 विकसित किया गया है, और ये हमेशा 24/7 सामने रहता है, और हमें संचार सूचना के लिए कम्युनिकेशन के लिए ऐसा ही चाहिए जो 24 आवर्स हमारे लिए काम करे। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो आगे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में कैसे होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप पकड़ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगर यह मेनली की जगह ओनली देता ना तो गलत हो जाता, मुख्यतः होता है। और सुनिए, दूसरा कह रहा है सैटेलाइट जो पीएसएलवी द्वारा भेजा जाता है वो हमेशा रिमेन परमानेंटली फिक्स उसी जगह पर स्थिर रहता है। आप मुझे बता, अभी मैंने आपको बोला था पीएसएलवी द्वारा जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो पोलर कक्षा में भेजे जाते हैं। पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है ना, और ध्रुवी वाला ऐसे घूम रहा है, तो जगह फिक्स हो ही नहीं सकता, वो तो हर समय बदल रहा है। तो ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, हमेशा एक जगह पे फिक्स दिखता उस स्थान पे नहीं भाई, वो भूस्थैतिकी के केस में होता है। ये गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया। तीसरा कह रहा है जीएसएलवी MK3 जो है वो 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जहां पहले और तृतीय में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मैं बताऊं, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो प्रक्षेपण यान होते हैं लॉन्च व्हीकल, वो 4 जनरेशन के, 4 पीढ़ियों के हैं जो भारत के पास है। पहला जनरेशन जिसको SLV कहते हैं, दूसरा जनरेशन जिसको ASLV कहते हैं, तीसरा जनरेशन जिसको PSLV कहते हैं, और चौथा जनरेशन जिसको GSLV कहते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 4 हैं। ASLV फिलहाल आज ये काम का नहीं है, लेकिन SLV जो था वो 4 चरण का प्रक्षेपण यान था, ASLV 5 स्टेज का प्रक्षेपण यान था, PSLV जो है वो 4 स्टेज का है, और GSLV जो 3 स्टेज का, ये था इसलिए क्योंकि आज प्रयोग में नहीं लाया जाता SLV ASLV, लेकिन PSLV GSLV आज भी प्रयोग में लाया जाता है, जिस पर आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन UPSC बना रहा है। अब यहीं देखिए GSLV कितने चरण वाला है, 3 स्टेज वाला, यहां पहले ही कर रहा है GSLV 3-4 चरण, गलत हो गया, गलत हो गया। फिर आपको बताऊंगा चरण क्यों होते हैं, प्रक्षेपण यान को अच्छा खासा वेट उठाने के लिए, अब थ्रस्ट बढ़ाने के लिए, आसानी से उपग्रह को अपनी कक्षा में लगाने के लिए, सब पढ़ना है, आपका पेपर का प्रश्न है भाई, ये देखिए पेपर का प्रश्न है, मत पढ़िए फैक्ट, ये करंट कहाँ है तो स्टैटिक है, आपको भी पढ़ना है, आपके बच्चे भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, आपके पिताजी भी यही पढ़ते होंगे जो अपने जमाने में कभी एग्जाम दिए होंगे। हाँ, अगर ऐसे पूछता PSLV C-47 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है 2018 को भेजा गया, तब वो करंट अफेयर्स होता ना, ये तो जनरल क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोलेंगे करंट अफेयर्स, क्यों रूमर फैलाते हैं, क्यों बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, आप नहीं निकल रहे हैं तो नई जनरेशन को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, मत कीजिए गलत काम, समझिए पेपर समझिए। तो यहां पर क्या मिला, सिर्फ पहला है जो सही है, बाकी उत्तर यहां पे सब गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मत बनाइए बेवकूफ दोस्त, आपकी नई जनरेशन से क्या किस तरह का मतलब दुश्मनी है, अगर आप फंस रहे हैं तो उनको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, पेपर दिखाइए ना, सारा सारा दिमाग खुलता है, खबरा एक एक पेपर मैं दिखाऊंगा और एक एक पेपर मैं लगवाऊंगा, क्योंकि मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूं, ये मेरी शुरू से आदत है, जो लोग मुझसे फेस टू फेस में पिछले 20 सालों में पढ़े वो जानते हैं कि मैं आप पे भरोसा कभी नहीं करता, ओके, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता आपके कैरियर के साथ, नहीं अपने कैरियर के साथ, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरा कैरियर भी है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तब मैं बताता हूं देखा मेरा सिलेक्शन है, और इंटरव्यू का सिलेक्शन नहीं है, मेरा क्लासरूम का सिलेक्शन है, ठीक है। चले अभी सब चीजें बहुत खुल के बोलने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 11वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तथ्य है, स्टेटमेंट है, जो आप देख सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट है, जो भारतीय क्षेत्रीय प्रक्षेपण, जो नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट है, यानी जिसको इंग्लिश में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम INSS के नाम से जानते हैं, इस पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पर मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी था, मेरे ख्याल से शायद 2015 या 2016 में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा पहले वीडियो में मैंने SPS और PPS बताया था, याद आ रहा है, PPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रिसीजन पोजिशनिंग सिस्टम, ये 7 उपग्रह का संग्रह था, जिसमें सिविलियन यूज के लिए SPS और डिफेंस और मिलिट्री के लिए PPS, जिसको इंक्रिप्टेड किया जाता है, कोडिंग की जाती है, ठीक है, जिससे मिलिट्री पर्पसेस के लिए हम उसको आसानी से प्रयोग लें, उसका मिसयूज ना हो, वही बात तो हो रही है। सोचिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न फिर रिपीट हुआ, दो प्रश्न मिले आपको, ठीक है, ज्यादा आसानी से तुरंत तथ्यों पर भरोसा ना करें जब तक आप तथ्यों को ना मिलाएं, ठीक है। चलिए सो मैं आपको दिखा रहा हूं,
तो यहां कुल कितने, अब बात करते हैं, आईएनएसएस हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 इज जियो सिंगल। बताऊंगा दोस्त, जियो स्टेशनरी वो होता है जो किसी स्थान के लिए हमेशा फिक्स रहता है, और जियो सिंकोना जिसको भूतुल्यकालिक कहते हैं, जो किसी समय के लिए फिक्स रहता है, यानी वो उपग्रह उस समय उस स्थान से होकर जरूर गुजरेगा, ये मतलब होता है भूतुल्यकालिक का, और उस स्थान के हमेशा सामने रहेगा, उसको बोलते हैं भूस्थैतिक। दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। ये जो होता है पोजीशन स्पेसिफिक होता है, मैं अपनी कक्षा में बार बार बताता हूं, ये क्लू है, रख लीजिए। जियो स्टेशनरी हमेशा पोजीशन स्पेसिफिक होता है और जियो सिंकोनस हमेशा टाइम स्पेसिफिक होता है। उसे निश्चित समय में फिर वो उस जगह से होकर गुजरेगा, वो जियो सिंकोनस है, हमेशा उस जगह के सामने रहेगा जियो स्टेशनरी। अब इसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, लेक्चर को सुनना पड़ेगा, और वो आईएनएसएस के साथ उपग्रह की जो पिक्चर बनाऊंगा वो देखना पड़ेगा आपको। यहां 3 चीजें आती हैं, एक आती है जीटीओ, है ना, एक आता है जियो सिंक्रोनस, और एक आता है जीईओ, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो ये 3 चीजें आती हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये तीनों आपको जानना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, 7 उपग्रहों को लगाया गया, 3 जियो और 4 जियो सिंक्रोनस, बहुत बढ़िया, जियो स्टेशनरी। और आगे दूसरा कह रहा है कि आरएनएसएस कवर इंटायर इंडिया और 5500 किलोमीटर उसके अगल बगल तक का क्षेत्र, एकदम गलत है दोस्त, जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये मान लीजिए भारत है, एकदम क्रिसमस की तरह, नहीं नहीं गलत है, क्रिसमस सिंबल वो मत बोलिए, इसको धन की तरह बोलिए, प्रॉब्लम है ना, बीजेपी वाला बुरे मान जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस समय हिंदू हैं, फालतू बातें है ना, छोड़ते हैं सब फालतू बात है ना, इसमें हम लोग इंसान कहाँ रखे, हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बड़ी जात हैं, छोटी जात है, कभी मायावती आती हैं, कभी कुछ आते हैं, सब सब तोड़ दिए हैं देश को, तोड़ी और तोड़ी और तोड़िए, कितना तोड़ सकते, तोड़ी और तोड़िए, है ना, मिलके कहाँ हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं, मिलजुल के कहाँ कुछ होने वाला है, तोड़िए तोड़िए सब तोड़िए, जितना तोड़ सकते हैं तोड़िए, स्टेट में तोड़िए, धर्म में तोड़िए, जात में तोड़िए, है ना, इसी में अभी अभी रहिए, इसी में फंसे रहिए, ठीक है, देश के विकास की बात में करेंगे। अच्छा, तो आरएसएस जो है, जो कह रहा है, नहीं 5500 नहीं, वो ऐसा नहीं, क्या करता, पूरा एरिया तो कवर हो ही रहा है, पूरा एरिया के साथ क्या होगा, है ना, सब यही करते हैं बीजेपी कांग्रेस सब 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 यही है ना। एक मदारी एक मूवी थी, मैं देख रहा, उसकी एक लाइन थी, मतलब क्या कमाल का, फिलहाल वो एक्टर रहा नहीं, मेरा फेवरेट एक्टर आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसने बोला कि मतलब हमको लगता है नेतागिरी ही इस चीज के लिए होती है, ठीक है, चलिए छोड़िए क्या बात की जाए, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, और उससे लेकर उसके 1500 किलोमीटर तक का एरिया पूरा, है ना, 1500 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो पूरा कवर होता है, देखिए कवर हो रहा है चारों तरफ, ये 1500 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर हो रहा है ये, और यहां पे पूरा भारत दिख, आपको याद आ रहा है मैंने इसके बारे में बोला था, कारगिल के समय भारत इसको बड़ा मिस कर रहा था, कारगिल वाले रीजन में हमारे कोई उपग्रह जो थे वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, हमने उस समय 9 स्टार की मदद मांगी थी अमेरिका वाले, अरे ये वही तो है आईआरएनएसएस जो पीछे की स्टोरी से पढ़ते आ रहे हो, एक एक चीज को चार चार बार बोलता हूं, इसलिए लोग कहते हैं कि सर आप बहुत बोलते हैं, तो बोलने दीजिए ना, इधर आइए, तो ये गलत हो गया। अगला आइए, अगला कह रहा है इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज। देखो भाई बड़े मुश्किल से तो हम अभी अपना क्षेत्रीय लगाए हैं, क्षेत्रीय का मतलब रीजनल लगाए हैं, कौन कौन, दो, एक गगन है जिसको बोलते हैं जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरा है आईआरएनएसएस, आगे बात करेंगे, अभी हमारा कोई ग्लोबल की बात नहीं हो रही है, सुगबुगाहट भी नहीं शुरू हुई है कि हम ग्लोबल की बात करें, ठीक है, तो अभी सिर्फ यहां पर आपको क्या मिल रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सब के सब गलत है। मिडिल ऑफ 2019 में हम ग्लोबलाइज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सुगबुगाहट भी नहीं है भाई, है ना। चलिए अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलन सही है, तो सुमेलन सही है तो सीधे सीधे बात कर लेते हैं। बेले 2 एक्सपेरिमेंट, देखिए बेले 2 एक्सपेरिमेंट जो होता है यह असल में पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा टॉपिक है। किससे जुड़ा टॉपिक है, कण भौतिकी एक चैप्टर है जिसके बारे में आपको बताया, कण भौतिकी से जुड़ा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे हैं, 2016 में प्रश्न भी आया हुआ है, स्टैंडर्ड मॉडल, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, इवेंट होराइजन, इस तरह के नाम है, 2016 के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन रहा है कि ये जो थियरीज दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, स्टैंडर्ड मॉडल, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, इवेंट होराइजन, ये क्या है, अक्सर न्यूज में रहते हैं, ये क्या है, तो बताया गया कि ये वो इस तरह के सिद्धांत हैं जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, बात करेंगे कैसे ब्रह्मांड के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी काफी वैलिड थ्योरी है। ये बेले 2 एक्सपेरिमेंट असल में मित्र स्टैंडर्ड मॉडल को प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया।
न्यूज में रहा है, तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना थोड़ी ना है। अगर कुछ यूनिवर्स लिखा होता या स्टैंडर्ड मॉडल लिखा होता या कण भौतिकी लिखा होता तब वहां पर सही होता। तो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। बेले टू का यहां कोई लेना देना नहीं है, बेले टू का स्टैंडर्ड मॉडल अनुसंधान को प्रूफ करने से लेना देना है, यह गलत है। ब्लॉकचेन तकनीकी आपने सुना होगा, ये जब बिटकॉइन ट्रांजेक्शन की बात हुई थी उसमें इसी तकनीकी का प्रयोग करने की बात हुई थी। बताऊंगा मैं ब्लॉकचेन तकनीकी क्या होती है, इस पर रिव्यू कमेटी भी है जो बनी है, और ये ब्लॉकचेन जो है देश में शुरुआत भी हुई है एक तरह से अगर हम बात करें तो। ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, डिजिटल करेंसी से जुड़ा मुद्दा था, तो ये चीज सही है। ये जो न्यूज में रहा है वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं बिटकॉइन। सतोशी माकानोको, बात बताऊंगा, बहुत मजेदार नाम है उस बंदे का, है ना। दूसरा से तीसरा कह रहा क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस9 तो पीछे के वीडियो में हमने बात किया था, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी 2019 का वीडियो देखिए जो मैंने पढ़ाया था, और कह रहा पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा है, गलत है। तो यहां सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी ये वाला सही हो जाए ना, बाकी सब गलत है। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, इधर टॉपिक्स लिख दिया, इधर टॉपिक मतलब इधर सम टाइम्स सीन इन न्यूज लिख दिया, इधर लिख दिया किस कंटेस्ट से जुड़े हैं। चलिए दो और प्रश्न है उसको भी देख, अब ये तो सीधा मैं आपको बता दूं, बात करेंगे आईपीआर में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक कोई गुड वगैरह जो है, कोई वस्तु है या कोई प्रोडक्ट है, जैसे बनारसी साड़ी मान लीजिए, तिरुपति के लड्डू मान लीजिए, इस पे भी प्रश्न आया 2015 में, है ना। उसमें एक ऑप्शन और था कि ये भी जीआई है कि नहीं, उसमें पूछा गया था दाल बाटी चूरमा, वो गलत था, वो नहीं था। इनमें से पूछा था कि इनमें से कौन सी जीआई है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, हर साल जो नए नए जीआई होते ना वो ध्यान देना होगा। तो जो भारत ने जो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो एक्ट 1999 जो लाया है ना, वो किसके ऑब्लिगेशंस को फॉलो, तो ये ठीक है, डब्ल्यूटीओ सब कुछ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ, ये बताऊंगा जेट एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ, ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, पूरी कहानी, बहुत मजेदार है दोस्त, बहुत मजेदार कहानी आपको सुना, गैट डब्ल्यूटीओ सारी कहानी सुनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न और बहुत ही मजेदार प्रश्न, सो लास्ट प्रश्न और बहुत ही मजेदार प्रश्न, प्रश्न है इनमें से जो जो फिनोमिना दिए गए हैं, है ना, ये फिनोमिना भी पढ़ता हूं। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, मतलब बताते हैं, ठीक है, जो मीडिया के सामने जो चीजें आती हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी यानी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, कहने का मतलब ये है। अब देखो यहां पे आपको पूरा स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जाननी पड़ेगी। क्वेश्चन ही पूछ रहा है, और पता है ये टॉपिक कहां आता है, ये टॉपिक मैं आपको लिखा हूं अपनी बुक में भी, कण भौतिकी के चैप्टर में, कण भौतिकी के चैप्टर में मैंने इस टॉपिक को दिया हुआ है। असल में जब ग्रेविटेशनल वेव्स की बात होती है, पीछे हमने 2019 में एक प्रश्न की बात की थी कि मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ, दो ब्लैक होल के कॉलिजन से किसके बारे में पता चला, ठीक है, तो मैंने बोला था ग्रेविटेशनल वेव की जानकारी मिली। तो जो ग्रेविटेशनल वेव जब मैं आपको बता रहा था, मैंने वहां पर आपको बोला था आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। असल में आइंस्टाइन एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसको 21वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा कहते हैं, उससे बड़ा वैज्ञानिक ना तो हुआ है, ना तो हुआ, ना तो होगा, ना तो था, ना है, ना होगा, उतना बड़ा साइंटिस्ट। और उसी के साथ हमारे एक साइंटिस्ट थे जो काम किया करते थे, ऐसा कहा जाता है, कई जगह मैंने सुना है कि सत्येंद्रनाथ बोस उन्हीं की कोर टीम में रहा करते थे, उन्हीं की कोर टीम में होकर काम किया करते थे। तब जो यार इंटेलिजेंट बंदा है उसके साथ जो होगा वो लिटरली इंटेलिजेंट ही होगा, तो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस का भी नाम आता है। उन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले ईश्वर कण की प्राप्ति के बारे में बताया था, जिससे किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल में द्रव्यमान आता है, मास आता है, और वो हर कण कण में है, जन चेतन जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे सनातन धर्म का, जैसे मैं हूं तो उसमें इस तरह बात है, जड़ चेतन और क्या है ना, इस तरह की चीज, तो वो कड़कड़ में है मौजूद। अब ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गुरु नानक देव जो मानिए सब, है ना, वही है, ठीक है, चले वो मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स में बताऊंगा, है ना, जिस धर्म जिस मजहब के आप मानिए, है ना। अब सुनिए, 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, उसमें कुछ गलती हो गई, बताऊंगा क्या गलती हुई थी, थोड़ी सुधार किया उन्होंने 10 साल बाद 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है
वो गुरुत्व की वजह से इफेक्ट होती है, इफेक्टिव होती है, अफेक्टेड होती है, या डाइवर्ट कर जाती है, बेंड कर जाती है, डाइवर्ट कर जाती है या बेंड कर जाती है। मैं बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे ग्रेविटी की वजह से जो लाइट होता है वो बेंड कर जाता है। तो पहला लिखा हुआ लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, एकदम सही है। मैं तो बोल रहा हूं बेंड भी कर जाता है, तो अफेक्टेड होता है तभी तो बेंड करता है। कैसे करता है बताऊंगा। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करता हूं, पता है क्या, एक रुमाल लेता हूं और उसको बताता हूं, देखो एक हो गया स्पेस, एक हो गया टाइम एक्सेस, और दो चार ऑब्जेक्ट उस पर डालता हूं और कहता हूं जिसका मास सबसे ज्यादा है वहां पर झुकाव सबसे ज्यादा होगा, और फिर बताता हूं जहां पर झुकाव ज्यादा होगा उसके अगल बगल की चीजें उसके अट्रैक्शन में ज्यादा होंगी। स्पेस टाइम फैब्रिक उसी को बोला जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट देखे उन्होंने ये चीज को लिखा हुआ है, मैटर रैप्स इन सराउंडिंग स्पेस टाइम, यानी जो पदार्थ होते हैं वो स्पेस टाइम के तानावाना होते हैं। वार्प्स का मतलब होता है तानावाना, मतलब उन्हीं के अगल बगल ये चीजें मौजूद होती हैं, बिल्कुल मौजूद होती हैं, उन्हीं के प्रभाव में होती हैं। यहीं पर आपको ब्लैक होल का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये भी सही है। और आपको बताऊं आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है जो ये कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, उसको सपोर्ट भी करता है। तो कहीं ना कहीं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दूसरा स्टेटमेंट भी सही होता है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। और ये क्वेश्चन आप देखेगा, ये क्वेश्चन खुद अपने आप में एक प्रश्न है। अगर आप गलती से कभी पेपर देखेंगे 2014 के आसपास, 2014 के आसपास आईएएस के पेपर में प्रश्न आया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, वहां पे आप देखिएगा रेड शिफ्ट इफेक्ट, माइक्रोवेव एक्सपेंशन थियरी, ये प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में, है ना, ये प्रश्न आया हुआ है। बताता हूं मैं, फिलहाल मेरे हाथ में थर्ड एडिशन की बुक है, लेकिन आप फोर्थ एडिशन का लेंगे आप, ये पूरा वीडियो 2021 के लिए बन रहा है। अगर आप 2020 जा रहे हैं तो फिलहाल पुरानी बुक पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2021 के लिए पार्टिकल फिजिक्स में देखें ये प्रश्न आया है। एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा, ये ऐसी 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 बुक खोल खोल के आप जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो बुक लेंगे और मेरे साथ साथ रोज का रोज पढ़ते चलेंगे, और फोन पर मेरे साथ जहां जरूरत होगा वहां डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है, तभी मजा आता है, हमें भी लगे कि आपको रस मिल गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, पेज नंबर 22 नंबर चैप्टर पे है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, और 2012 का है, 2014 का नहीं है, 2012 का। क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंसेस फॉर द कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो ठीक है, लगातार ब्रह्मांड के फैलने के पीछे क्या कारण है, इनमें से कौन से कथन है जो बताते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2012, ठीक है। पहला कह रहा है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, दूसरा कह रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना, तीसरा कह रहा है मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस, चौथा कह रहा है ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन द स्पेस। यही वो प्रश्न है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जिस पर हम चर्चा करेंगे जब कण भौतिकी की बात करेंगे। जो कण भौतिकी का चैप्टर है वो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यहीं पर हम लोग गोल्डीलॉक के बारे में भी बात करेंगे, गोल्डीलॉक पे भी देखिए प्रश्न आया हुआ है 2015 में पूछा है, जो टर्म गोल्डीलॉक जोन है वो कभी कभी न्यूज में रहता है, वो क्या है। यहीं पर देखिए ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी का भी पूछा गया है 2012 में, यहां पर एंटी मैटर के बारे में है ना अच्छा खासा अनुसंधान चल रहा है, और अच्छे खासे वैज्ञानिक इस लेबोरेटरी में, ये अमेरिका में लेबोरेटरी है, सबसे ज्यादा तो भारतीय वैज्ञानिक है, तो बात करेंगे, ये इंग्लिश है ना, फिर कोई बात नहीं है ना, वही बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, पर यह थर्ड एडिशन है, फिर कह रहा हूं आप फोर्थ एडिशन लेंगे। ओके सो मजा आना चाहिए, मुझे पढ़ाने में आना चाहिए, आपको पढ़ने में आना चाहिए। तो चलिए दोस्त, ये रहा 2018 का प्रश्न, बाकी आपसे कोर्स में मुलाकात होती रहेगी, और कोशिश है कि यहाँ पर देखेंगे अगर संभव हुआ तो जूम्स के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, पूरी तरह से लगना चाहिए कि हम आपके साथ फेस टू फेस में ही है, ठीक है, और लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो हर बच्चा जो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ है ना, मुझे बात कर लेगा, कॉल कर लेगा, और ये कोर्स बिल्कुल देखेगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। कुछ वीडियोस मैं वैसे भी फ्री दे रहा हूँ, ऐसा प्रमोशन हर कोई देता है, ठीक है, तो मैं भी दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कोई ज़रूरत है तो आप मुझसे सीधा बात कीजिएगा। ये ऑफिस का नंबर है, मैं बोल देता हूँ, 6306416191, और दूसरा है 9991108098।
सो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई डाउट होता है, कुछ होता है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्सेज वगैरह। एक नया नंबर है जो अभी मैंने शुरुआत की है, ओके, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर लेना, तो आप सीधा इस नंबर पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मैं आपको दे देता हूँ लास्ट में, बाकी जो लोग इच्छुक नहीं हैं वीडियो बंद कर दें, जो अपने टाइम पर बात कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत बेशकीमती है, और जो लोग हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, 6393 एक नंबर है जो ऑनलाइन के लिए स्पेशली मैंने दिया है, 6393641090। तो इस नंबर पर आप जुड़े रहें, और अगर आप पूरा कोर्स चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और पूरी तरह से फैकल्टी आपके साथ जुड़ी रहेगी, जैसे मैं हूँ जूम के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू, ठीक है, जो सुविधा आपको नहीं मिलती। और 1.5-2 लाख रुपए जो आप फीस देते हैं, देना चाहिए, है ना, हर किसी की रोजी रोटी है, चलते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्त, फिर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी आपके साथ 2017 के प्रश्न के साथ, और मैं 2015 तक तो पहले दिखाऊंगा। मैं भी मानने वाला नहीं हूं कि आपकी आंख पूरी तरह से खोल दूं, उसके बाद ही हम लोग विषय की शुरुआत करते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुझे बिल्कुल अपडेट देते रहिए, कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल कमेंट दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए, बुरे भी दीजिए, जरूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं, ओके, जिससे हम और इम्प्रूव करें और बेहतर करने की कोशिश करें। इन वीडियोज़ को जन जन तक जरूर पहुँचाइएगा, जरूरी नहीं कि आप शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, मित्र को दे दीजिए, ओके, जरूरी नहीं आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके, डाउनलोड कीजिए, मित्र को दे दीजिए, पर जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, अगली बार अगली वीडियोस में कुछ नए जोश के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे, बाय।